तो आज हम बात करने वाले हैं फोक्सवैगन वेंटो के लॉन्ग टर्म ड्राइव रिव्यू के बारे में। तो कीप वॉचिंग। सो गाइस, मेरा नाम अभिनव गर्ग, कैमरे के पीछे आशुतोष श्रीवास्तव। आज हम दोनों आप लोगों को बताने वाले हैं इस फोक्सवैगन वेंटो 1.6 MPI का लॉन्ग टर्म ड्राइव रिव्यू हम बताने वाले हैं कि गाड़ी जो है चला चला के कैसा हो चुका है। मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस, थोड़ी बहुत गोबो ने भी चलाई है तो थोड़ा बहुत गोभी अपना एक्सपीरियंस बताएगा। फिलहाल मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ। क्या पूछना चाहते हो भाई? क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हें आंसर दे देता हूँ। फर्स्ट, बहुत बार यह है कि गाड़ी नई में एक अलग परफॉर्मेंस होती है। गाड़ी हल्के हल्के जब तुम्हारी हो जाती है, मैं ये बोलूंगा जब गाड़ी तुम खरीदते हो वो तुम्हारी नहीं होती, वो कंपनी की होती है उस समय, ठीक है। अब जब गाड़ी तेरी हो गई है पूरी तरीके से, ठीक है, तो क्या एक्सपीरियंस है चलाने के मामले में, ठीक है, ओवरऑल फील के मामले में, और दूसरा एसी उसी की जो बात कर रहे थे हम लोग स्टार्टिंग में वो भी बात करेंगे, पर अभी तुझे चलाने के मामले में क्या फील है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मजा तो ऐसा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, इस रोड पे तू अपनी गाड़ी पहली बार चला रहा है? इस रोड पे हमने दुनिया भर की गाड़ियां चला रखी है, सबसे लो परफॉर्मेंस से लेकर सबसे हाई परफॉर्मेंस कार्स, लेकिन अपनी गाड़ी चलाने का तो मजा ही अलग है। अपनी गाड़ी तो अपनी गाड़ी होती है, इसे कितना भी चला लो दिल नहीं पड़ता। कल मैंने बल्कि स्टोरी भी डाली थी, टॉर्क पे डली हुई है वो, कि जितनी बार मैं इसे देखता हूँ ना उतनी बार इससे और मोहब्बत हो जाती है मुझे। अच्छा, माइंड यू, ये वो वाला हाईवे बनने वाला है दिल्ली से देहरादून, तो ढाई घंटे में। सो जब ये बनेगा तभी यहाँ पे भी कुछ मारेंगे बढ़िया वाली, ठीक है। ढाई घंटे में हम दिल्ली मार के दिखाएंगे, स्पीड लिमिट के अंदर रह के मार के दिखाएंगे कि कैसी होगी। सर, अब बात करी जाए ओवरऑल एक्सपीरियंस, तुझे आज, तू इतनी सारी गाड़ियां चला चुका है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 वीडियो तो ड्राइव रिव्यू चैनल पे ही पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसी गाड़ियां जो अभी तक चैनल पे रिव्यू नहीं डाली पर हम चला के देख चुके हैं। सो इन ऑल मैम, नहीं भी तो 55-60 गाड़ियां हम जो चला चुके हैं इस रोड पर, तो ये बता तुझे आज इसको चला के क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है फर्स्ट, ठीक है। आज की डेट के हिसाब से क्या प्रॉब्लम लगती है, आज की डेट के हिसाब से क्या चीज अच्छी लगती है, कि अभी भी ये चीज ब्रेजा में नहीं आती पर इसमें आती है। एक एक क्वेश्चन पूछो तो सारे फेंक दोगे, मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, आज की डेट के हिसाब से तुझे ये गाड़ी कितनी अपडेटेड लगती है? किस मामले में? ड्राइविंग फील के बारे में हम बात कर चुके हैं, लुक्स सब। ड्राइविंग फील के मामले में 90% गाड़ियां से मैच नहीं कर सकती आज भी। ओके, क्या क्या तुझे अच्छा लगा? 50 पे बिल्कुल शार्प बेंड्स जो है, बिना स्पीड कम करे एक्सेट्रा में पैर रख के मोड़ रहा हूँ, और 1% गाड़ी में जो बॉडी रोल दिख जाएगा या फिर गाड़ी में कोई भी वो दिख जाए आपको, यहाँ पे ऐसी गाड़ी स्ट्रगल कर रही होती है। स्टेबिलिटी इशू, ये देखो सामने वो बोला मैंने, यहाँ पे ऐसी गाड़ी स्ट्रगल कर, हाई राइडर जा रही है, वो ग्रैंड विटारा जा रही है सामने, उसकी वो चढ़ नहीं पा रही बेचारी, क्योंकि दैट इज ओनली 105 हॉर्स पावर। बट वो ड्राइवर भी थोड़ा सा अजीब है, दिल्ली वाला है, ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है दिल्ली वालों को यहाँ पे। सो हाँ, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो आज भी इसके मुकाबले नहीं चल सकती, जैसे सामने वाली है, अगर मैं उसे भी यहाँ पे चलाएंगे तो नहीं चल पाएगी ढंग से, मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी जो इसमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसी बुरी चीज जो तुझे लगती है कि हाँ ये तो होनी चाहिए तो यहाँ पे ये चीज मजा आती है। अभी लाइट्स आएंगी सामने तब दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये है भाई लाइट्स, पता भी चल रहा है कि मैं लाइट जला रखी है। चलो आईफोन में पता चल रहा है, बट नहीं मेरे को सामने विजिबिलिटी बहुत बुरी है। ओके, मैं जितनी लाइट मेरे को चाहिए उतनी लाइट नहीं मिल पा रही है, साइड साइड में तो थोड़ी सी लाइट है इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम हाँ हो रही है मेरे को फोकस करने में, लाइट कम है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चीज, सस्पेंशन स्टेफर साइड पे क्योंकि वो फील हो रहे हैं स्टेफर साइड पे, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है सस्पेंशन की, आपको बॉडी रोल महसूस नहीं होने देते, वो ऊपर से आपको वो नहीं होने देते, क्या कहते हैं उसे, गाड़ी की स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते, क्योंकि सस्पेंशन ऑफ कोर्स ज्यादा स्टिफ है, तो आपको वो ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल रोड पे चिपक के चल रहे हो, आप कोई भी फालतू ऊपर नीचे नहीं उछलोगे, ठीक है। ग्रेवल्स जो नीचे आते हैं वो इतने ज्यादा फील नहीं होते, वरना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें होती है कि भाई वो फील हो रहा है, प्रॉब्लम सी लग रही है गाड़ी जो है से दिक करके चल रही है, तो वो अब इसमें ऐसा नहीं लगता है। नेक्स्ट चीज, बॉडी रोल इस गाड़ी में थोड़ा सा है, मानता है
हल्का सा है बट प्रॉब्लम नहीं देता वो ऐसा, क्योंकि बहुत ज्यादा शार्प बेंड्स थे, बहुत ज्यादा, और उसमें भी हम काफी ज्यादा आराम से मुड़ गए अगर आपने सीट बेल्ट पहन रखी है, जो कि आपको ऑफ कोर्स पहननी चाहिए। जितने बंदे गाड़ी में होते हैं सबको एडवाइजेबल है कि आप सीट बेल्ट पहन के रखिए, और वो बहुत ज्यादा अच्छी बात रहती है आपकी, आपकी सेफ्टी के लिए वो चीज। वो ये नहीं है कि चलान से बच जाओगे अभी अगर जाओगे, वो कुछ सब चीजें अलग है, वो सेकेंडरी टर्शरी चीजें आती है, मेजर पॉइंट है कि आपकी सेफ्टी होनी चाहिए गाड़ी में। भाई सीट बेल्ट बनाई सेफ्टी के लिए गई है ताकि कोई ऐसा इशू ना है। फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग रेटेड गाड़ी भी आपको कुछ नहीं कर लेगी अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी है तो। ठीक है, तो सीट बेल्ट जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर बात करें स्पीकर्स कैसे हैं इस गाड़ी के, क्योंकि बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। आज भी बहुत ऐसी गाड़ियां हैं जो इसके मैच नहीं कर सकती, कैसी परफॉर्मेंस है। अभी गाना बंद कर रखा है, अली खान जी का गाना सुन रहा था। जब हम हाईवे पे हैं तो शायद ये दुखद बात भी हो सकती है, पर अच्छी बात भी हो सकती है, माइलेज कैसा है? माइलेज अभी मैं एकदम बता देता हूँ कि अभी फिलहाल कितना निकल रहा है। ओके, 12.5 का आ रहा है फिलहाल, मैं घर से जो यहाँ तक आया हूँ, थोड़ा ट्रैफिक में, थोड़ा जो अभी स्ट्रेट रोड पे। रीसेट कर लें अभी? रीसेट अभी तो पता नहीं ना मेरे को कैसे होगा। ठीक है, 12.5 गए वो, पर अगर होना होगा तो बढ़ जाएगा, पता लग जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा फिल्टर गंदा हो रखा है, इस वजह से अभी वैसा हो रहा है। ओके, अगर फिल्टर सही हो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रही है टाइम के साथ, टाइम के साथ थोड़ी सी। और क्या चीजें हैं जिसकी जो टाइम के साथ तुझे लगता है कि जा रही है हल्के हल्के? यार एसी है बस, बाकी इंटीरियर इंटैक्ट है, बाहर की जो बॉडी शेल है वो पूरा इंटैक्ट है, गाड़ी में कहीं पे भी रस्ट की प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। अच्छा। गाड़ी को 4 साल हो चुके हैं, ठीक है, अभी तक गाड़ी में कोई रस्ट की प्रॉब्लम नहीं आई है, जबकि धूप बारिश में खड़ी रहती है काफी गाड़ी, पहले काफी खड़ी रहती थी, अब तो फिर भी जो है बेसमेंट में पार्किंग होती है तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कभी बाहर जाते हैं कहीं पे तो उसमें धूप बारिश में खड़ी रहती है, तो रस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक भगवान की कृपा से। हमारे बेसमेंट में चूहे वगैरह भी नहीं है, तो तार वार के हटने का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। टायर जो है इसके 2 बार चेंज हुए अभी तक, एक बार पहले चेंज हुआ था और एक बार अभी रिसेंटली चेंज हुए आगे वाले। तो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। कितने किलोमीटर्स हो चुके हैं? 38,735। इतने किलोमीटर के बाद 2 बार टायर चेंज बनता था? हाँ, एक स्टॉक आए थे, एक फिर चेंज हुआ था, एक फिर चेंज हुए थे। ठीक है, 15-15 उनमें से 2 टायर तो मेजरली जो, हाँ 2 टायर तो इसलिए चेंज हुए थे क्योंकि वो था टायर कट गया था ट्रिप पे हमारी। अच्छा, मतलब हम गड्ढे में गए थे तो गड्ढा इतना ज्यादा शार्प था, वो इतना ज्यादा डीप था और स्पीड अच्छी खासी थी, हमें अंधेरा हो रहा था तो देखा नहीं था वो। अलॉय ठीक था सब? हाँ, अलॉय वगैरह कोई प्रॉब्लम, आज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो वो ये था कि इतना डीप था कि वो टायर कट गया था, और टायर कटने के बाद भी हम 40 किलोमीटर गए थे। ओके, हमें पता भी नहीं चला कि टायर कटा है, हमें लगा कि डिफ्लेट हुआ है हल्का सा प्रेशर की वजह से। तो वो हमें पेट्रोल पंप जब 40 किलोमीटर आगे पहुंचे हैं तब जाके हमें पता लगा कि अच्छा इसमें तो वो हो गया भाई, टायर कट गया। और ऐसी गाड़ियों में तो और मजा इसलिए आएगा क्योंकि हेयरपिन बेंड्स है अगर कहीं पे होते भी है तो आपको मोड़ने की दिक्कत ही नहीं, आप 80 पे आराम से मोड़ दो, आपको 1% प्रॉब्लम नहीं होगी स्टेबिलिटी वगैरह में। ADAS लेवल की आने वाली है, ADAS शायद यहाँ पे यूज हो अच्छा खासा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, हो जाएगा बेंड्स पे प्रॉब्लम होगी अगर थोड़े शार्प बेंड्स पे। एडास होता नहीं, नहीं शार्प बेंड्स पे एडास काम नहीं करता। अरे शार्प बेंड इस पे तो होंगे जो ये आगे वाला बनेगा। हाँ, लेट्स सी जब बनता है वो पूरा, दिसंबर में कुछ बात चल रही है बन जाए तो। दिसंबर तक इनॉग्रेशन बोल रहे हैं सरकार ने, मतलब बोला है कि दिसंबर तक इनॉग्रेट इसे कर देंगे। अच्छा, गाड़ी में फीचर एंड्रॉइड ऑटो आता है? एप्पल कार पे आता है, सब बढ़िया चलता है? बिल्कुल बढ़िया चलता है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बीच में एक बार एप्पल कार पे हल्का सा ग्लिची हुआ था, स्क्रीन थोड़ी वो हो गई थी। क्या चल रहा है? मैंने इसलिए पहले यहाँ पे रोक लिया, मैंने कहा ये पागल है ऐसा आगे निकला, और उसने आगे गाड़ी रोकी क्यों है? दूध बेच रहा है, दूध खरीदना उसे। अच्छा, झगड़ा कर रहे भाई? अच्छा, ओके, झगड़ा कंट्रोवर्सी, आंटी मारो, आंटी गलती पता है दूध वाले की है। ठीक है, पता क्या है, मैं बता रहा हूँ वो क्या कर रहा था इतनी देर से।
फालतू के शार्प टर्न्स मार रहा है, ठीक है, एकदम से सामने से कट मार रहा है, हमारे भी मारा उसने आगे। अच्छा। और पीछे जब चल रहा है और हम गाड़ी, मैं गाड़ी 40-45 पे चला रहा हूँ, पीछे आके फल में हॉप पै 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 करे जा रहा है। वो इस चक्कर में वहां पे लड़ाई हो रही है कि भैया शांति से कर लो, अभी मारा मुरा तो नहीं ना, ना अब पिटेगा नहीं, नहीं उसने गाड़ी गुड़ी नहीं, नहीं गाड़ी पे नहीं मारा, गाड़ी पे वो इरिटेट हो गया, वो लड़ाई हो रही है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब पिटेगा तो वो तो भगवान की इच्छा है। वो तो भगवान ने लिखा, वो पिटी जाएगा। तो अच्छा, अब बात करें ORVM की। ORVM, IRVM, तुझे कैसा व्यू है पीछे का? परफेक्ट साइज है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लोग बोलते हैं कि छोटा ORVM है, लेकिन वो साइज उसका छोटा है, लेकिन मेरा वो वाइड एंगल वाला है, तो वो एरिया काफी अच्छा खासा दिखाया था। ओके, सो कुछ खास टिप्पणी करना चाहोगे वीडियो के एंड की तरफ? भाई एक मैं बोल रहा हूँ फोक्सवैगन, अगर तुम्हारे मन में हल्का सा भी डाउट है कि क्यों नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी, एक बार चला के देखो, तुम्हारा खुद मन हो जाएगा कि क्यों लेनी है। और एक बार तुमने फोक्सवैगन ले ली, तुम किसी और गाड़ी की तरफ जा नहीं सकते अंटिल अनलेस वो एक जर्मन कार या फिर मतलब बेसिकली एक यूरोपियन कार हो। मुझे इस गाड़ी के अलावा किसी की अगर ड्राइव पसंद आई है तो फिर वो फिर उसकी है C5 Across की। बहुत अच्छी ड्राइव है वो, सिमिलैरिटी ही सिमिलर ही है बिल्कुल उसकी ड्राइव, यही है चीज। हाँ, इससे थोड़ी सी बेटर बोलूंगा मैं। हाँ, okay. सी बात है, थोड़ी मतलब प्राइसिंग उसकी और पर चल जाती है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें आ जाता है तुम्हारा वर्टुस आ जाती है, स्कोडा आ जाती है, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती है, फिर तो वो सेगमेंट एक ही मान लो आप सब कुछ। ये सब वर्टुस की ड्राइव इसके 90% क्लोज है, क्योंकि उसके हल्के से स्टिफर सस्पेंशन है एज कम्पेयर टू स्लाविया, और स्टीयरिंग थोड़ा लाइट है उसका, इसलिए मैंने 90% बोला, क्योंकि स्टीयरिंग में 10% है कि वो थोड़ा एक प्रॉब्लम करता है, मतलब मेरे को इतना लाइट स्टीयरिंग पसंद नहीं है। okay. मास ऑडियंस के लिए वो स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, मेरे को वो स्टीयरिंग थोड़ा सा वो लगता है कि ज्यादा लाइट है मेरे लिए। तेरे तो फेवरेट कार भी वरना है ना भाई, जिस दिन वरना ले लूं मुझे जिंदा फूंक देना। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट वेंटो का ड्राइव, लॉन्ग टर्म ड्राइव रिव्यू। सो वीडियो एंड करते हैं आप। हाँ, वीडियो पसंद लाइक करें, एपिसोड डिसलाइक करें, वीडियो के बारे में लिखो कमेंट सेक्शन में, वीडियो सजेशन के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो रिलेटेड सब्सक्राइब और क्लिक करके लाल सिग्नल कर दीजिए, बेल और ऑल पर दबा दीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आपके नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो के सिर्फ नई वीडियो आपके जल्दी लेके आते रहेंगे। कैमरामैन गोग के साथ अमिन अहमद साइनिंग ऑफ। लास्ट हम माइलेज देख लेते हैं कि अभी फिलहाल क्या निकल रही है। देखो क्या है भाई माइलेज, देखो 13.5 है, बढ़ा दी माइलेज। और मैं बताया था मैं माइलेज ये कैसे बढ़ी है, हम इतनी देर से चौथे गियर पे 40-50 के बीच में क्रूज कर रहे हैं।